इजराइल और ईरान के बीच छिड़ा वार कब रुकेगा ये कोई नहीं जानता। जिसे भी मौका मिलता है वो दूसरों के खिलाफ हमला करने से नहीं चूकता। इजराइल में हूती विद्रोहियों का हमला लगातार जारी है। हूती विद्रोहियों ने इजराइल पर जबरदस्त हवाई हमले किए। हमला इतना खतरनाक था कि इजराइल को काफी नुकसान भी उठाना पड़ा। हूती विद्रोहियों ने इजरायली हवाई सुरक्षा कवच तक को भेद डाला है। साथ ही साथ आपको बताएं कि हिजबुल्ला ने उत्तरी इजरायल के एयर डिफेंस बेस को भी निशाना बनाया। आज हिजबुल्ला ने तीसरी बार ताबड़तोड़ हमले किए। यह हमला तेल अवीव और बेन शेमेन जंगल में हुआ है। हिजबुल्ला के इस हमले के बाद इजरायल पूरी तरह से बौखला चुका है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हिजबुल्ला के हमले के बाद हूती विद्रोहियों को कड़ी चेतावनी भी दे दी है। बता दें, नेतन्याहू ने कहा है कि हूतियों ने यमन से हमारे क्षेत्र में सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल दागी है। उन्हें अब तक पता चल जाना चाहिए था कि हमें नुकसान पहुंचाने की किसी भी कोशिश के लिए हम भारी कीमत वसूलते हैं। इसराइल के प्रधानमंत्री की बातों से साफ समझ आता है कि इसराइल भी अब कोई तगड़ा पलटवार करने की तैयारी में है। नेतन्याहू के तेवर को देखते हुए ये महसूस हो रहा है कि आने वाले दिनों में अभी और आक्रामक हमले और युद्ध देखने को मिलेंगे। हूती विद्रोहियों ने यमन से इसराइल पर सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल भी दागी है, जिससे इसराइल में लगे हवाई सुरक्षा कवच के अलर्ट के बाद सायरन बजने लगे हैं, जिसकी आवाज तेल अवीव के पूर्व से मोदीन तक सुनाई गई। इस हमले के बाद हूती विद्रोहियों के हौसले और बुलंद हैं। हूती विद्रोहियों की तरफ से ये कहा गया कि इस हमले से पता चल गया है कि इसराइल की कवच प्रणाली पूरी तरह से हवाई हमले के लिए खुली थी। हिजबुल्ला ने ये कदम बढ़ते तनाव के बीच उठाए। यमन और इसराइल के बीच छिड़ा युद्ध और बुरे हालात में जाता नजर आ रहा है, क्योंकि इजरायली हवाई हमलों ने पहले लेबनान में घरों को निशाना बनाया था, जिसके बाद हिजबुल्ला की तरफ से पलटवार किया गया। अब इसराइल इस हमले को लेकर साफ साफ कुछ भी नहीं बता रहा। इसराइल इस हमले को हल्के में लेकर ये दावा कर रहा है कि उसे आज सुबह हुए हमले से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। इसराइल का दावा है कि उसने हिजबुल्ला के हमले को नेस्तनाबूद कर दिया और जो रॉकेट जो है गिरे वो जंगलों और मैदानी इलाके में है, जिससे किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि हिजबुल्ला का ये हमला गाजा पट्टी में हुए इसराइल के हमले के विरोध के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि हिजबुल्ला ने इसराइल को धमकी दी थी कि अगर उसने गाजा पट्टी में हमले जारी रखे तो उसकी तरफ से ज्यादा खतरनाक हमले किए जाएंगे। हिजबुल्ला की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि उसके लड़ाकों ने इसराइल के उत्तरी क्षेत्र कमान के तहत मुख्य वायु रक्षा बेस पर कई रॉकेट दागे, जो सीधे बैरक पर गिरे हैं, जिस वजह से उसके कुछ हिस्सों में आग भी लग गई। हिजबुल्ला ने अमियाद इलाके में एक इजरायली सैन्य अड्डे पर भी हमला किया। अब जब हिजबुल्ला की तरफ से हमला कर दिया गया तो अब बारी इसराइल की है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ शब्दों में हिजबुल्ला को चेतावनी दी है और कहा है कि वो इसराइल के बड़े हमले के लिए तैयार रहे। जिस तरह से दोनों तरफ से तोपें और मिसाइलें दागी जा रही हैं, इसराइल और लेबनान समर्थक हिजबुल्ला से बीच पुरानी अदावत है। दोनों के बीच दो दशकों से ज्यादा का वक्त अब बीत चुका है, लेकिन सुलह नहीं हो पाई है। ऐसा लगता है जैसे दोनों के बीच युद्ध का कोई ना कोई बहाना चाहिए।